बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट, हम मैथ ग्रेड 4 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड कर रहे हैं, तो इसका यूनिट नंबर 5 मेजरमेंट हम कर रहे हैं। इसकी आज एक्सरसाइज 5 हमने करनी है। एक्सरसाइज 5 हम सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपसे एक बात करनी है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो आइए आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, ये देखिए एक्सरसाइज 5, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग। क्योंकि ये ऐड के क्वेश्चन है, लीटर मिली लीटर में दिए हुए, तो इनको ऐड करना। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को क्वेश्चन नंबर 1, इसका ए पार्ट है 3 लीटर 109 मिलीलीटर प्लस 5 लीटर और 304 मिलीलीटर। इनको ऊपर नीचे लिखे, इनको ऐड करेंगे। सबसे पहले 3 लीटर 109 मिलीलीटर ऊपर लिखेंगे और 5 लीटर 304 मिलीलीटर नीचे। अब इनको ऐड करते हैं, 9 और 4 13, ये 13 का 13 नहीं देंगे क्योंकि नेक्स्ट 0, आगे 0 से 0 माइनस करें तो कुछ भी नहीं आता, 0 ही आता, इसलिए 13 लिख देंगे। 13 का 13 और 1 और 3 4 और 3 और 5 8। इस तरह ये बात का आंसर है 8 लीटर 413 मिलीलीटर। अब बी पार्ट है इसके 6.5 लीटर प्लस 4.2 लीटर। इनको भी ऊपर नीचे लिख के ऐड करेंगे तो 6.5 लीटर ऊपर लिखेंगे और 4.2 लीटर नीचे। इनको ऐड करते हैं, 5 और 2 7 पॉइंट की जहाँ पर पॉइंट और 6 और 4 10, तो सर बी पार्ट का आंसर है 10.7 लीटर। अब सी पार्ट है 122 लीटर प्लस 76 मिलीलीटर। इनको ऊपर नीचे लिखते हैं, 122 लीटर ऊपर लिखेंगे और 76 मिलीलीटर नीचे। इनको ऐड करेंगे 2 6 8 और 2 7 9 और 1 का 1 नीचे। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर है 198 मिलीलीटर। अब डी पार्ट है 34 लीटर 200 मिलीलीटर प्लस 92 लीटर। इनको भी लिख के ऐड करेंगे, ऊपर सबसे ऊपर लिखेंगे 34 लीटर और 200 मिलीलीटर प्लस 92 लीटर, ये इधर लीटर के नीचे आ जाएगा। इसके मिलीलीटर वाली वैल्यू नहीं है तो खाली लीटर के, इसके लिए इसे वो लीटर के नीचे लिखते हैं। अब ऐड करते हैं तो 4 और 2 6 और 3 और 9 12 लीटर और 200 मिलीलीटर वैसे के वैसे आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं लिखी। इसका डी पार्ट का आंसर है 126 लीटर और 200 मिलीलीटर। हाँ, वो ई पार्ट के क्या लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू 41 लीटर 200 मिलीलीटर प्लस 404 लीटर और 478 मिलीलीटर। अब इनको भी लिख के ऐड करेंगे, ऊपर सबसे ऊपर लिखेंगे 404 को 404 लीटर और 478 मिलीलीटर है, मिलीलीटर भी लिखा मिलीलीटर थी। हाँ, तो इसके नीचे लिखेंगे 41 मिलीलीटर फिवर और 200 मिलीलीटर, ये वो मिलीलीटर के नीचे आ जाएगा। अब इनको ऐड करते हैं, 8 का 8 वैसे के वैसे आ जाएगा, 7 का 7 वैसे के वैसे आ जाएगा, 4 और 2 6 678 मिलीलीटर और इधर 4 और 1 के ऐड करें तो 5 4, ये भी वैसे के वैसे आ जाएगा, उनके ऊपर वैल्यू 0 और ये इधर 4, इसके नीचे कोई नहीं वैल्यू, ये भी वैसे में वैसे आ जाएगा। ये सर 445 लीटर, मैंने ये जो ई पार्ट का आंसर हुआ 445 लीटर और 678 मिलीलीटर।
आपका 1 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 2, है सॉल्व द फॉलोइंग। ये सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन है, ये भी मिली लीटर और लीटर में दिए हुए, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका ये पार्ट है, इसकी व्यंग 22 लीटर 500 मिलीलीटर माइनस 10 लीटर 109 मिलीलीटर। इनको भी ऊपर नीचे लिख के इनको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले 22 वाली लिखेंगे वैल्यू 22 लीटर और 500 मिलीलीटर, उससे नीचे 10 लीटर 109 मिलीलीटर। हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 में से 9 माइनस नहीं होता, तो हम लीटर कैरी लेंगे, 5 अपना कैरी देगा इसको 0 को, और फिर ये 0 ये हो जाएगा 10, और फिर 10 अपने कैरी जो है वो डालेगा इसमें 0, तो ये भी 10 हो जाएगा। बाकी इधर इस ये इस वाले टैन, ये 10 बना था, 10 से एक कैरी इधर हमने ले लिया, तो ये बाकी इधर 9 रह जाएंगे। अब ये 10 हो गया, 10 में से 9 माइनस किए तो 1, और ये बाकी 9 रह गया, 9 का 9 नीचे आ जाएगा, नीचे इसके 0 लिखा हुआ, 9 में से 0 माइनस करो तो 9 ही आता है। इधर बाकी 4 बचा, क्योंकि 5 हमने कैरी इसमें डाला था 0 में, तो 4 में से 1 माइनस किया तो 3, इस तरह 391 मिलीलीटर। और नेक्स्ट 2 में से 0 माइनस करें तो 2 ही आएगा, और 2 में से 1 माइनस करें तो 1, इस तरह ये 12 लीटर। इस तरह एक क्वेश्चन ए पार्ट का जो है वो आंसर हो 12 लीटर 391 मिलीलीटर। अब बी पार्ट है, 55 लीटर माइनस 32 लीटर, उनमें 55 लीटर को ऊपर लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे 32 लीटर को, तो 5 में से 2 माइनस के 3, और 5 में से 3 माइनस के 2 लीटर, इस तरह 23 लीटर जो है वो बी पार्ट का आंसर है। अब सी पार्ट है, 2.2 मिलीलीटर माइनस 1.5 मिलीलीटर, इसमें भी 2.2 को ऊपर लिखेंगे मिलीलीटर को, और माइनस से कह देंगे 1.5 मिलीलीटर को, तो ये देखिए 2 में से 5 माइनस ही होता है, तो 2 अपने कैरी डालेगा 2 में, तो ये हो जाएगा 12, अगर 12 में से 5 माइनस किए तो 7, अगर 2 ने अपने कैरी इसमें डाला था तो ये इधर बाकी 1 बचा, तो 1 में से 1 माइनस किए तो ये 0 आ जाए। इस तरह से आपका आंसर है 0.7 मिलीलीटर। अब डी पार्ट है, 4 लीटर 878 मिलीलीटर माइनस 3 लीटर और 760 मिलीलीटर। अब इसमें इसमें 4 लीटर को ऊपर लिखेंगे, 4 लीटर 878 मिलीलीटर और 3 लीटर 760 मिलीलीटर को नीचे लिखे, इसमें माइनस करेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करें तो 8 का 8, नीचे 8 में से 0 माइनस करें तो 8 का 8 ही आएगा, 7 में से 6 माइनस किया तो 1, 8 में से 7 माइनस किया तो 1, इस तरह ये 118 मिलीलीटर आया, और 4 में से 3 माइनस करें तो 1 लीटर, जो डी भारत का आंसर हुआ 1 लीटर 118 मिलीलीटर। अब ये भारत है, ए पार्ट की वैल्यू 78 लीटर 209 मिलीलीटर माइनस 16 लीटर और 142 मिलीलीटर। अब इनको भी ऊपर नीचे लिखे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 78 लीटर ऊपर लिखेंगे और 109 मिलीलीटर, जिसके नहीं सॉरी सॉरी 209 मिलीलीटर, और नीचे 16 लीटर और 142 मिलीटर। अब इनको माइनस कहते हैं, 9 में से 2 माइनस किए तो 7, 0 में से 4 माइनस नहीं हो सकते, तो 2 आपने कैरी डालेगा 0 में तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 माइनस किए तो 6, मतलब बाकी 1 बचे, 1 में से 1 माइनस किए तो 0 है, अच्छा ये 67 मिलीलीटर, और ये 8 में से 6 माइनस किए तो 2, और 7 में से 1 माइनस किए तो 6, इस तरह ये हो गया 62 लीटर। जो ये पार्ट के जो है इसका आंसर है 62 लीटर और 67 मिलीलीटर। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, ज़ारा हैज़ 2 कंटेनर्स,
the capacity of one container is 67 liter 128 milliliter and the other is 84 liter of 300 milliliter. हाँ, इसको कह रहे हैं कि ज़ारा जो है वो उसके पास जो है वो कितने टू कंटेनर है, उनके कैपेसिटी की में से एक कंटेनर की कैपेसिटी की थी 67 लीटर 198 मिलीलीटर एंड द अदर इज 84 लीटर 300 मिलीलीटर, और दूसरे की कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है 84 लीटर 300 मिलीलीटर। तो इसके हमने टू पार्ट दिए हुए ए और बी, वो फाइंड करने में व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, यानी कि कंटेनर जो दोनों कंटेनर हैं इनकी टोटल कैपेसिटी कितनी है वो बतानी है। बी पार्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ बोथ कंटेनर, ये दोनों कंटेनर इनकी कैपेसिटी में वो क्या है डिफरेंस कितना है। तो आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिनल क्वेश्चन नंबर थ्री, इसके हिसाब से पहले स्टेटमेंट लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कंटेनर्स टू कैपेसिटी ऑफ वन कंटेनर इज इक्वल टू 67 लीटर 198 मिलीलीटर और कैपेसिटी ऑफ सेकंड कंटेनर की कैपेसिटी लिखनी 84 लीटर 300 मिलीलीटर। अब इसका ये पार्ट सबसे पहले करेंगे सॉल्व। ये पार्ट है व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर्स, कंटेनर्स की टोटल कैपेसिटी बतानी है। इसमें हम दोनों कंटेनर की जो कैपेसिटी उनको ऊपर नीचे लिखे उनको ऐड करेंगे। तो ये 67 लीटर 198 मिलीलीटर एक कंटेनर की कैपेसिटी होगी और दूसरे की 84 लीटर 300 मिलीलीटर ये दूसरे की होगी कंटेनर की कैपेसिटी। हम इनको ऐड करते हैं, 8 में क्या 8 ही आ जाएगा और 9 एट और जीरो को ऐड करें तो 8 आएगा, 9 और जीरो को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 1 और 3 को ऐड करें तो 4 आएगा, इधर 498 मिलीलीटर और इधर 7 और 4 को ऐड करें तो 11 को 1 लगा 1 ऊपर कैरी और 6 और 8 14 में 1 कैरी डाले तो 15 इस तरह 151 लीटर। जो हमने इसका ए पार्ट के जो हमने पूछा कि टोटल कैपेसिटी जो है वो उसको इस तरह लिखेंगे सो द टोटल कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, यानी कि कंटेनर के टोटल कैपेसिटी जो है वो क्या है वो ये है कि 151 लीटर और 498 मिलीलीटर, ये इसकी टोटल कैपेसिटी कंटेनर्स की आई है। अब बी पार्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ बोथ कंटेनर, तो दोनों कंटेनर हैं उनकी कैपेसिटी में डिफरेंस क्या है, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे हम दोनों वैल्यू उसको। देखिए इसमें सबसे पहले जो है वो 84 वाली वैल्यू ऊपर आएगी, 84 लीटर और 300 मिलीलीटर और 67 लीटर 198 मिलीलीटर इसको नीचे लिखेंगे। हम इनको सब्ट्रैक्ट करते अब 10 में से 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकता और ये भी 0 इसलिए 3 अपना पहले कैरी इसको देगा जी इस वाले 0 को, तो ये हो जाएगा 10 और ये 10 फिर अपने कैरी देगा इसको इस वाले 0 को, तो ये भी 10 देगा। जब ये 10 इस वाले को कैरी देगा तो ये तो 10 बन जाएगा पहले वाला 0, नहीं तो दूसरे वाला 0 इसमें बाकी 9 रह जाएंगे। तो इधर ये देखिए 10 में से 8 माइनस किए तो 2, अब 9 में से 9 माइनस किए तो 0, अब इधर 3 हमने कैरी 0 को दिया था तो बाकी 2 बचा, 2 में से 1 माइनस किया तो बस इधर 102 मिलीलीटर और 4 में से 7 माइनस नहीं हो सकते, 8 हमारा कैरी डालेगा 4 में तो ये हो जाएगा 14 में से 7 माइनस किए तो 7, इधर बाकी बचा 7 में से 6 माइनस किए तो 1, इस तरह ये 17 लीटर। और जो दोनों कंटेनर्स के क्या डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ बोथ कंटेनर इसको इस तरह लिखेंगे सो द डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ बोथ कंटेनर इज 17 लीटर एंड 102 मिलीलीटर। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आर शॉपकीपर सेल्स 72.8 लीटर मिल्क ऑन सैटरडे एंड 92.6 लीटर मिल्क ऑन संडे, ऑन विच डे डज ही सेल्स लेस मिल्क एंड हाउ मच,
give your answer in milliliters. इसमें स्टूडेंट कह रहे हैं कि शॉपकीपर आ शॉपर सेल्स 2.2 ये लीटर मिल्क और सैटरडे सैटरडे वाले दिन शॉपकीपर कितने मिल्क जो है वो सेल्स करता है 72.8 लीटर और संडे को कितना मिल्क सेल्स करता है 92.6 लीटर मिल्क ऑन संडे। अब फाइंड क्या करना है ऑन विच डे डज ही सेल लेस मिल्क किस ये लोग लेस यानी थोड़ा कम मिल्क दूध जो है वो सेल्फ करते हैं वो दिन बताने एंड हाउ मच और कितना और साजी बता रही कितना इनके अगर किस दिन लेस मिल्क जो है वो सेल्फ करता है और कितना गिव योर आंसर इन मिली लीटर आपने अपने आंसर जो है वो मिली लीटर में देने तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इस हिसाब से पहले स्टेटमेंट लिखनी है शॉक की साइज मिल्क और सैटरडे 72.8 लीटर और शॉपकीपर सेल्स मिल्क ऑन संडे 92.6 लीटर इसमें इस क्वेश्चन में हम ये जो दोनों वैल्यूज दी हुई हैं ये हम लोगों ने आंसर मिली लीटर में दे रहे हैं इसलिए सबसे पहले इनको हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं इनको मिली लीटर में पहले कन्वर्ट करते हैं 72.8 लीटर को मिली लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको इस तरह करेंगे सबसे पहले पॉइंट रिमूव करेंगे 72.8 ओवर 10 लीजिए 10 आ जाएगा पॉइंट रिमूव कर दिया तो पॉइंट का वन लगा और वन डिजिट तो एक जीरो तो मल्टीप्लिकेशन 1000 मिली लीटर और इसको इस तरह लिखेंगे 728 ओवर 10 मल्टीप्लिकेशन 1000 मिली लीटर जीरो जीरो के साथ कट जाएगा बाकी हमारे पास के बचे 728 मल्टीप्लिकेशन 100 मिली लीटर अब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे 728 को 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन तो हमारा आंसर आएगा 72800 इस तरह ये मिली लीटर में जो है वो लीटर मिली लीटर में कन्वर्ट हो गया इसकी फर्स्ट वैल्यू को मैंने किया सैटरडे वाली को अब सेकंड वाली संडे की है 92.6 लीटर इसको भी मिली लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले फिर ही हमारा आंसर मिली लीटर में आएगा अब 92.6 मल्टी इसको भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1000 मिली लीटर के साथ क्योंकि लीटर को मिली लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं सबसे पहले हम पॉइंट को रिमूव करेंगे तो पॉइंट को रिमूव करके इधर आया टेन पॉइंट को रिमूव किया वन पॉइंट का वन अगर वन डिजिट है तो एक जीरो लगेगा मल्टीप्लिकेशन 1000 मिली लीटर इसको फिर इस तरह लिखेंगे 926 ओवर 10 मल्टीप्लिकेशन 1000 मिली लीटर जो पॉइंट रिमूव जब करते हैं तो फिर ये पॉइंट इस तरह लिखा जाता है 926 अब जीरो जीरो के साथ कट हो गया तो बाकी क्या बचा 926 मिली 926 मल्टीप्लिकेशन 100 मिली लीटर तो अब 926 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर है 92600 मिली लीटर ये देखिए इसका आंसर अभी तक 92600 मिली लीटर अब सैटरडे और संडे दोनों वैल्यूज़ को हमने लीटर से मिली लीटर में कन्वर्ट कर लिया आपको जो चीज़ उन्होंने पूछी है कि वो किस ऑन विच डे डज ही सेल लेस मिल्क किस दिन वो लेस मिल्क जो है वो सेल करता है तो ये देखिए सैटरडे वाले दिन 72.8 लीटर जबकि संडे वाले दिन 98.6 लीटर तो ये वैल्यू से ही पता चल रहा है देखिए कि सैटरडे वाले दिन वो लेस मिल्क जो है वो सेल्स करते हैं क्योंकि संडे वाले दिन तो ज़्यादा है 92.6 तो इसलिए हम लिखेंगे कि सो ही सेल्स लेस मिल्क ऑन सैटरडे और बाकी जो चीज़ें उन्होंने पूछी हाउ मच कितना तो ये दोनों वैल्यूज को सैटरडे और संडे को लीटर से मिली लीटर में हमने पहले ऊपर कन्वर्ट कर लिया उनके आंसर भी आ गए तो इनके जो आंसर आएंगे ना ये सब आएंगे तो उनको दोनों को ऊपर नीचे लिख के आपने सब्ट्रैक्ट कर देना यानी कि माइनस तो सबसे पहले जो है ये लिखेंगे 92600 मिली लीटर
यानी कि संडे वाली जो वैल्यू है उसको लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट किया, तो जो आंसर है उसको पहले लिखें और फिर उसके बाद साचेटे वाली को वैल्यू को लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट किया तो उसका जो आंसर है उसको बाद में लिखेंगे 72800 मिलीलीटर। क्योंकि माइनस से सब्ट्रैक्ट करते वक्त जो भी है बड़ी वैल्यू वो ऊपर लिखी जाती है। अब ये देखिए ज़ीरो का ज़ीरो 6 में 8 माइनस 3 2 अपने कैरी डालेंगे 6 में ये हो जाएगा 16 में 8 माइनस किए तो 8। अब ये इधर बाकी 1 में से 2 माइनस 3 तो 9 से कैरी 9 अपने कैरी 1 में डालेगा तो ये हो जाएगा 11। पता चल गया आपको अच्छी है 11। अब 11 में से 2 माइनस किए तो 9 ये बाकी 8 में से 7 माइनस किए तो 1। इस तरह 1980 मिलीलीटर जो है वो कितना मिल्क कितना खाओ मैं अच्छे लेस मिल्क जो है वो सेल करता है साचेटे को, तो वो मैंने पूछा कि कितना सेल करता है, कितना सेल करता है 1980 मिलीलीटर वो मिल्क जो है वो सेल करता है साचेटे को। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारे यूनिट 5 की एक्सरसाइज 5 भी कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।